निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर नगर में मध्य प्रदेश सरकार के वाणिज्य कर मंत्री ब्रजेंद्र सिंह राठौर के पिता अमर सिंह राठौर की स्मृति में लगातार 39 वर्षों से आयोजित हो रहे स्वर्गीय अमर सिंह राठौर राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया। पृथ्वीपुर जैसी छोटे नगर में एक ऑल इंडिया लेवल के वॉलीबॉल टूर्नामेंट जो यहाँ पर सम्पन्न होने जा रहा है, उसमें हमारे मध्य प्रदेश शासन के पशुपालन और मछली मंत्री आदरणीय लाखन सिंह यादव जी, कृषि मंत्री आदरणीय सचिन यादव जी यहाँ पर आए हैं। और निश्चित रूप से ये जो टूर्नामेंट है वो किसी एक व्यक्ति की दम पर नहीं, इस जिले के और बुंदेलखंड के हजारों हजारों लोगों के आशीर्वाद और सहयोग के दम पर होता है। मैं अपनी तरफ से उन सबको बधाई देता हूँ और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमेशा हमेशा विकास की भी बहुत सारी संभावनाएँ रहती हैं। उम्र में दोनों लोग मुझसे छोटे हैं और छोटे से मांगना तो ठीक नहीं होता, लेकिन निर्देश तो कर सकते, लेकिन धर्म हमारा ये बनता है, मंत्री की हैसियत में सब बराबर हैं। इसलिए मैं आज बहुत कुछ देके भी यहाँ पर ये जाएंगे और मंच के माध्यम से आप सुनेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। मैं आप सबको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ और समय हो रहा है इसलिए इजाज़त भी लेता हूँ। देखिए, निश्चित तौर पर ये हमारे मंत्री मेरे बड़े भाई आदरणीय ब्रजेंद्र राठौर जी के पिताजी की पुण्यतिथि में ये कार्यक्रम है। और मुझे अभी रास्ते में बात करता आ रहा था आपसे कि इनके पिताजी ने अपने जीवन में उस ज़माने में जो संघर्ष किया, एक ऐसी आवाज़ को बुलंद करने का काम किया जो परंपरा के टोटल खिलाफ थी, आज उनकी 39वीं यहाँ वर्षगांठ मनाई जा रही है। और मैं ये बधाई देना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी को कि उन्होंने अपने पिताजी के पुण्यतिथि में इतना बड़ा एक काम करा। वो तमाम तरह के बरसों से टूर्नामेंट कराते आ रहे, और मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आने वाले समय में ये टूर्नामेंट उनकी स्मृति में उनकी पुण्यतिथि में इतना ज़बरदस्त जो कार्यक्रम कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में इसकी और भव्यता बढ़े, इसकी और ऊँचाइयों तक जाए, जिससे इनके पिताजी ने उस ज़माने में जो परम्परा से हट के जो काम किए थे उसको लोग याद करते रहे। इस उद्घाटन समारोह में प्रदेश के तीन मंत्री सचिन यादव, पशुपालन मंत्री लाखन सिंह यादव और वाणिज्य कर मंत्री ब्रजेंद्र सिंह राठौर मौजूद रहे। इस अवसर पर पशुपालन मंत्री लाखन सिंह ने कहा कि प्रदेश में पिछले 15 सालों से भाजपा की सरकार थी, लेकिन हमेशा वे भगवान राम मंदिर और गौमाता पर सिर्फ राजनीति करते रहे। इस मौके पर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने भाजपा को घेरा और मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं बताई। बाद में सभी अतिथियों ने वॉलीबॉल मैच में उतरकर सर्विस देकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। गौरतलब है कि दिन में वॉलीबॉल टूर्नामेंट और रात में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन यहां किया जा रहा है। आपको शायद जानकारी नहीं है, पिछले 15 साल में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और फुल मेजोरिटी में सरकार थी, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा भगवान राम मंदिर और गौमाता के नाम पर राजनीति करती रही। जब यहाँ मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, राजा दिग्विजय सिंह जी उस समय चीफ मिनिस्टर थे, और भारतीय जनता पार्टी की जब मध्य प्रदेश में आई सरकार, उस समय मध्य प्रदेश में 35,000 से 40,000 निराश्रित गौवंश था। और आज जब हमको मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनी, और तब भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 15 साल में जो 10 लाख निराश्रित गौवंश को रोड़ों पर चरने और एक्सीडेंट के लिए खेतों में नुकसान करने के लिए छोड़ रखा है, इसी तरह से आपने जो गोट फार्म की बात की है जो यहाँ आपके यहाँ, ये मध्य प्रदेश में पूरे मध्य पिछले 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज कांग्रेस की सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो वचन पत्र में हमारे जो बिंदु थे उन बिंदुओं की ओर हम लोग अग्रसर है। और मध्य प्रदेश में हमने फर्स्ट फेज में 1,000 गौशाला बना के मध्य प्रदेश के निराश्रित गौवंश को संधारण करने का हम लोग काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में मैं आपको ये भरोसा दिला के जाता हूँ यहाँ से कि आने वाले 2 साल के अंदर मध्य प्रदेश में आपको एक भी निराश्रित गौवंश ना रोड पे दिखेगा ना किसान के खेत में नुकसान करते। वो इशू अलग इशू है। एक्चुअल में क्या है कि अभी मध्य प्रदेश में एक बड़े स्तर पर एक मुहिम चल रही है, जितने भी लोग थे जिन्होंने ज़बरदस्त तरीके से भूमाफिया के नाम से जाने जाते थे, इन लोगों के खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली बार इतना बड़ा कदम उठाया। नहीं तो इन भूमाफियाओं के खिलाफ 15 साल से भारतीय जनता पार्टी ने कभी कोई काम नहीं किया, बल्कि भूमाफिया को ताकत देने का काम किया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सिर्फ कमलनाथ जी ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने साहस दिखाया है
अब चूंकि आपने जो मुन्ना लाल जी के बारे में बात की थी, मुन्ना लाल जी के यहाँ का अलग इशू है, उनके जो उनकी विधानसभा है उस विधानसभा में कुछ ऐसे लोग हैं जो बाहर से आके सेटल हो गए थे, अन्य अन्य गाँव से आके एक जगह खाली पड़ी थी उसमें सेटल हो गए थे। निश्चित तौर पर वो जगह ऐसी थी जो हमारे कलेक्ट्रेट के आसपास की जगह थी, तो वहाँ हमारे ऑफिस के लिए वो जगह थी और मुझे लगता है वो इंक्रोचमेंट में थी, वो भूमाफिया नहीं, ये बात मैं बिल्कुल कह सकता हूँ। लेकिन चूंकि सरकार को आवश्यकता थी उस ज़मीन के, इसलिए उनको वहाँ से बेदखल करने का काम किया जा रहा है और उनको हम लोग जगह भी दे रहे हैं और पट्टे भी दे रहे हैं। देखिए, जहाँ तक गेहूँ का सवाल, गेहूँ के बोनस का सवाल है, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये कि ये सोच है कि हमारे किसान साथी हैं, उनको किसान साथियों की उनकी उपज का सही मूल्य मिलना चाहिए और इसीलिए हमारी सरकार ने विभिन्न प्रकार की जो है प्रोत्साहन योजनाएँ हमने लागू करी थी और हम लोग उस राशि को भी हमने बजट में भी उसका प्रावधान करा था और हम शीघ्र ही वो राशि हमारे किसान साथियों के खाते में डालने की प्रक्रिया हम चालू करने वाले थे। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से एक फरमान आता है, एक आदेश आता है जहां पर उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि कोई भी सरकार अगर कोई बोनस वितरण करती है, अगर प्रोत्साहन राशि भी अगर वितरित करती है तो केंद्र में जो पूल है उस पूल में कमी की जाएगी और उसमें उन्होंने लगभग हमारे मध्य प्रदेश का हमने जो गेहूं का उपार्जन करा था लगभग 7 लाख मेट्रिक टन, जिसका लगभग 1400 करोड़ रुपए का जो भार है वो प्रदेश की सरकार पर पड़ा है, वो लेने से उन्होंने मना कर दिया है। तो ये सारी समस्या हमारे सामने थी लेकिन इसके बावजूद भी हमारी सरकार जो है आने वाले दिनों में हमारे किसान साथियों को जो हमने बोनस का जो प्रोत्साहन राशि की जो हमने बात कही है वो हमारे किसान साथियों को।